दोस्तों मूल्स किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे ट्रायंगल बिस्किट। देखिए उसको हम किस तरह से बनाते हैं। हम इसमें मोयन वोयन कुछ नहीं डालेंगे, बिना मोयन के, और आटे का हम बना के आपको दिखाते हैं। चलिए आज हम बनाते हैं ट्रायंगल बिस्किट, और उसमें हम डालेंगे ये नारियल का पाउडर किसा हुआ, मार्केट में उपलब्ध हो जाता है। इसके पहले आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने अनुभव को मेरे चैनल में शेयर करिए। चलिए अब हम बताते हैं इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेगा। वो हम आप एक कप हम लिए हैं इससे नारियल का बूरा। नारियल का बूरा हर जगह हर दुकान में ग्रोसरी स्टोर में मिल जाता है, और ठीक इतने ही नाप में हम लिए हैं आटा, और दो चम्मच छोटी चम्मच हमने लिया है शक्कर। और ये हम बिस्किट बनाने के बाद ये मसाले का उपयोग करेंगे, और ये इलायची पाउडर का उपयोग करेंगे, और इसी शक्कर का उपयोग करेंगे। चलिए अब हम बना के आपको दिखाते हैं। ये घी है, घी को हम थोड़ा बाइंडिंग के टाइम थोड़ा सा यूज करेंगे, घी को मोयन हम नहीं डालेंगे। ये है हमारा भुना जीरा पाउडर है, और ये इलायची पाउडर है, ये शुगर है, पिसी हुई शक्कर है, और ये है मेरा होममेड चाट मसाला। होममेड चाट मसाला इसका वीडियो मेरे चैनल में डाला है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। और ये है काला नमक, जो कि हम बाद में बिस्किट के ऊपर हम इसको लपेटेंगे। चलिए अब हम इसको बना के आपको दिखाते हैं। डालिए हम, और इसको हम थोड़ा सा पहले सेक लेंगे, इसको हल्का सा हम इसमें सेक लेंगे, जो वो हो जाए थोड़ा सा हमें ब्राउन। सेकने के बाद इसका जो ये आ जाता है, मतलब इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है भुनने के बाद। थोड़ा सा ज़्यादा नहीं सेकना है हमें, इसको वाइट ही रखना है। अब इसमें हम डालेंगे सारा आटा, भी हमारा इसी माप में होगा, एक कप आटा, एक कप पानी, और एक कप नारियल का बूरा, और दो चम्मच शुगर, ये इसका माप है। सारी चीज़ हम इसी के माप से डालेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे शक्कर जो हमने रखा था, और इसको थोड़ा सा शुगर घुलते तक हम इसको ऐसे, पसंद नहीं करते तो बिना शुगर का भी बना सकती हैं। शुगर को ऊपर जो पाउडर हम कोट करते हैं, बस उतना डाल के भी आप बना सकते हैं। कर देंगे ठीक, शुगर हमारा घुल गया है। एक कप पानी, एक कप नारियल का चूरा, और एक कप आटा, इसका रेशो रहेगा। ये आटा एक कप है, अब हम इसमें आटा डाल देंगे और गैस को कर देंगे बंद, और इसको इसमें डो जैसे तैयार करेंगे। इसको अब हम डो जैसे तैयार कर लेंगे। थोड़ी देर हम इसको सेट होने के लिए हम गैस बंद कर दिए हैं। ये सब काम आपको गैस बंद करके ही करना है, और थोड़ा सा डो को ठंडा होने देना है। थोड़ी देर ठंडा कर देंगे, ठंडा होने के बाद हम अगला प्रयोग करेंगे। अब हम बनाते हैं मसाला। नमक डालेंगे, पिसी हुई शक्कर, चौथाई चम्मच चाट मसाला, ज़्यादा नहीं डालना है, चौथाई चम्मच का, एक पिंच जीरा पाउडर भुना हुआ, भून के हम रखे हैं, एक पिंच हम डालेंगे काला नमक। बस ये हमारा मसाला तैयार हो गया। मैश कर लेंगे अच्छे से, और बिस्किट बनाने के बाद हम ऊपर से इसको कोट करेंगे। कि पिंच हम डालेंगे इसमें सादा नमक, एक पिंच ही डालना है हमें, ज़्यादा नहीं डालना। ठंडा हो गया है, अब इसमें हम मिलाएंगे थोड़ा सा ये इलायची पाउडर है, इसको डाल देंगे आटे में ही, ताकि अंदर भिग जाए। ये देखिए हाथ में घी लगा के इसको ऐसे डो तैयार करेंगे, एकदम सा डो बन के तैयार हो गया। और मोयन वगैरह हम कुछ नहीं डाले हैं, तो ये बहुत अच्छी बिस्किट बन के ये तैयार हो जाती है। हम ऐसे बेलेंगे, लेंथ बिस्किट के बराबर ही लेंथ होगा, खूब मोटा नहीं और पतला नहीं। घी तेल का ही हम बेल लेंगे, ज़्यादा तेल घी का हम उपयोग नहीं करेंगे इसके लिए। इसको ऐसे ही बेलना है हमें, फोक से ऐसे 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 करते जाएंगे, थोड़ा सा डिज़ाइन बना लेंगे। ये सब बनाना है, अंदर तक नहीं इसको करना है, क्योंकि अंदर हम नहीं बनाएंगे। ऐसे पीछे साइड भी कर लेंगे इसको ऐसे काट लेंगे,
होता है, और ये ऐसे काट काट के रख लेंगे ट्रायंगल में। इसमें डालेंगे थोड़ा सा घी गरम, मैं आँच कम करके अब इसको मैं इसमें डाल दूंगा। देखिए मेरा बहुत अच्छा बिस्किट बनके तैयार हो गया। तलना है इसको, आटे का बिस्किट है तो इसको ब्राउन ही तलना है, और तेज आँच में तलना है, लास्ट में धीमा करना है। मैंने तेज में तल के लास्ट में धीमा किया है। ये देखिए अब मैं इसको निकाल लेती हूँ, और इसमें अब मैं मसाला मिला के तैयार। देखिए इसमें मैं मसाला जो बनाई थी उसको डालूंगी, थोड़ा सा इसमें नारियल चूरा भी डालूंगी। मसाला नीचे ऊपर हो गया, थोड़ा सा नारियल चूरा, नारियल बुरादा वो रख देंगे। ये देखिए इतना सुंदर बिस्किट तैयार हो गया है, बहुत अच्छी बिस्किट बन के तैयार हो गई, बहुत नरम कुरकुरी और बहुत स्वादिष्ट बिस्किट बन के तैयार हो गई है। अब आप बनाइए, खाइए, और मोन्स किचन में आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने अनुभव को आप मेरे चैनल में शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।